अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। मसाला मॉर्निंग्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और तो चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। फिरनी बहुत अलग किस्म की फिरनी है, आप चल के देखिए। ओके, हमारे पास यहाँ पे 1 लीटर दूध रखा हुआ है जिसका हम चूल्हा जला देते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 3/4 कप पड़ा हुआ है चावल का आटा। इसको हम 1 कप पानी में घोल लेंगे, 1 से 1.5 कप भी डाल सकते हैं, मैं 1 डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा हमने दूध चढ़ा दिया 1 लीटर। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी। इलायची पाउडर 1 टीस्पून, 3 आसान फीलिंग है, आप सोच नहीं सकते, रमजानों में भी आपको बहुत काम आएगी। अच्छा, जैसे ही दूध को उबाल आ जाए, मैं ये चावल का आटा जो दूध में पानी में हमने मिक्स किया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, कश्मीरी बीफ पसंदे हम बना रहे हैं बीफ के पसंदों से। और इस पे मैंने कच्चा पपीता लगा दिया है 1 टेबल स्पून, और हम करेंगे प्रेशर कुकर में ताकि फटाफट हो जाए। ठीक है, बस ये हो रहा है। जैसे ही एक उबाल आएगा मैं इसमें चावल का आटा जो पानी में मिक्स किया हुआ है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसको एकदम से नहीं उंडेलिएगा, देख के। ठीक है, ठीक है।
जबरदस्त। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा चखूंगी, बिकॉज मैंने एक कप चीनी थोड़ी सी सेव कर ली थी, पूरी नहीं डाली थी, कहीं ऐसा ना हो ना बहुत मीठी हो जाए। परफेक्ट है। चूल्हा बंद। क्या है बताएं इसमें? ज़ाफ़रान, अच्छा जी ब्रेक भी आ चुकी है। हम इस फीनी को इसमें निकालेंगे। जो मेरे पास थोड़ा सा इलायची पाउडर बचा हुआ है मैं ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, ज़ाफ़रान ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, बादाम पिस्ते ऊपर स्प्रिंकल करके वहाँ पहुँचाती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कश्मीरी ज़ाफ़रानी फिरनी, अज्जा, दूध एक लीटर, राइस फ्लार 3/4 कप, चीनी 1 कप, बारीक स्लाइस बादाम 2 खाने के चमचे, बारीक स्लाइस पिस्ते 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, केवड़ा 2 खाने के चमचे। जी जनाब, उफ क्या मज़ेदार फिरनी बनी है। आप वहाँ देखें, मैंने ज़ाफ़रान ऊपर डाल दी, बची हुई इलायची डाल दी, बादाम पिस्ते डाल दिए। आपको खूब मज़ा आएगा, यख चिल्ड करके खाइएगा। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कश्मीरी ज़ाफ़रानी स्पेशल पसंदे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने पसंदों पे 1 किलो पसंदे लिए हैं बीफ के, और इस पे मैंने पपीता लगा दिया है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। अब इसको हमें मैरिनेट करना है। की ब्रांड का सिरका ले लें या लेमन जूस, हम सिरका ले रहे हैं। दो टेबलस्पून, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून, लाल प्याज 1/2 कप, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, मैं लेती हूँ अभी, और हम इसमें डालेंगे दही, हाफ से 3/4 कप या 1 कप तक जा सकती है। ये हमने डाल दी। गरम मसाला पाउडर, वन टीस्पून, सिरका हम डाल चुके हैं। अच्छा, कोकोनट पाउडर, पिसावा कोकोनट 1 टेबलस्पून भर के, उसके बाद हम डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबलस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, फिर इसमें जाएगा, ये मेरे पास रखा हुआ है, मूंगफली 1 टेबलस्पून और खशखाश 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास खशखाश नहीं मिल रही है जहां आप रहते हो, मूंगफली को डबल कर लो। केवड़ा, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इटालिया का ऑल पर्पस पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे, मैं इसको तेल गरम कर रही हूँ, फिकर नहीं करें, फिर इसको मैं रिकैप करती हूँ। पसंदे लिए हमने बीफ के 1 किलो, 5-6 बना दिए, मैरिनेट किया 1.5 टीस्पून सॉल्ट, लाल प्याज चूरा कीवी 1/2 कप, कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून, ज़ाफ़रान आखिर में डालूँगी 1/2 टीस्पून, फिर इसमें गया दही 1/2 से 3/4 कप या 1 कप, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सिरका या लेमन जूस रॉस्की का 2 टेबलस्पून, नारियल पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन इटालिया का 2 टेबलस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड 4, केवड़ा 2 टेबलस्पून और मूंगफली और खसखस पिसी हुई 1-1 टेबलस्पून, अगर नहीं है खसखस मूंगफली डबल कर लो। 1/2 कप तेल और इसमें हम इसको डाल के और भूल जाए, बस सो सिंपल। क्वार्टर कप पानी ले रही हूँ बिकॉज़ हमारे प्याले में मसाला है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर रहे हैं, चूंकि इसमें पपीता भी लगा हुआ है। 15 से 20 मिनट बाद मैं इसको खोलूंगी, ठीक है। और यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, आके आपको कराएंगे शेजवान सूप। स्टे विद मी। स्पेशल कश्मीरी पसंदे अज्जा, बीफ पसंदे 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चम्मच, पिसी दली प्याज 1/2 कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, दही 1 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मचे, पिसा खोपरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ग्रीन चिली पेस्ट 4 खाने के चम्मचे, केवड़ा 2 खाने के चम्मचे, कुटी मूंगफली 1 खाने का चम्मच, पिसी खसखस 1 खाने का चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, तेल 3/4 कप। जी जनाब, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। और आज हम आपको आज तीसरी रेसिपी करा रहे हैं, तो बहुत सारी जगह ठंड है और फिर हमने कहा चलो हमारे पास इतनी ज़बरदस्त सी रॉसमॉन का जो सिस्टर ब्रांड है की उसकी सॉसेस हैं, तो क्यों ना हम उसके साथ आपको अच्छे सा सूप बनाना सिखाते हैं, शेजवान सूप। ठीक है, अच्छा शेजवान सूप के लिए हमने क्या किया है, हमने 6 कप पानी लिया, उसमें मैंने इटालिया का स्टॉक क्यूब, 1 डब्बे में 2 होते हैं है ना, तो मैंने 1 पूरा डाल दिया है, आपको इसमें नज़र भी आ रहा होगा। देखा आपने, ये 1 पूरा क्यूब इसमें डाल, इसमें मैंने 1 क्यूब डाल दिया है, जैसे ही इसमें बॉईल आएगा
हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हमें मैरिनेट, एक मुर्गी का सीना लिया है मैंने जिसको मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ। मैं वाइट पेपर मुझे नहीं पसंद, आपकी मर्जी है, आप हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर या हाफ टी स्पून वाइट पेपर डाल लें, और आप डाल लें हाफ टी स्पून सॉल्ट। बहुत बड़े बड़े काट दिए मेरे हेल्पर ने, वरना थोड़े से पतले होने चाहिए। फौरन हिला दें ताकि चिकन आपस में चिपक ना जाए, खुली खुली रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे मशरूम्स, इटालिया के कैन मशरूम स्लाइस्ड, तीन चार डाल दीजिए स्लाइस करके। फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस की का की ब्रांड का, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून। ग्रीन सॉसेस, टू टेबल स्पून चिली सॉस, टू टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर, टू टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा चिकनाहट आती है, ये देखें जैसे वाइट आ रहे हैं, तो ये हम निकालेंगे। वरना आपका सूप क्लियर नहीं बनेगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये आप सब निकाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे सीजनिंग्स, नमक, ब्लैक पेपर, वन टीस्पून डाल रही हूँ मैं, और सॉल्ट, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल, 1.5 डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर जाएगा मज़ीद हाफ टी स्पून, कॉर्नफ्लावर है मेरे पास इटालिया का 1/2 कप,
जिसपे हम डालेंगे क्वार्टर कप या हाफ कप वाटर, देखें पक रहा है। अच्छा, जो आपको ग्रीन्स डालना होता है, हरा धनिया, हरी कैप्सिकम और हरी प्याज के पत्ते, वो बिल्कुल लास्ट में चूल्हा बंद करने के बाद डालेंगे, वरना पता है कलर ख़राब हो जाएगा। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। वन एग, ये देख हमारा शेजवान सूप बिल्कुल तैयार। चूल्हा कर दें बंद। इसमें डाल दीजिए आप शिमला मिर्च, इसमें डाल दीजिए आप हरी प्याज के पत्ते, थोड़े से मैं डिश के लिए ऊपर के लिए बचाऊंगी, और आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शेजवान सूप, चिकन आधा कप, मशरूम स्लाइस आधा कप, कटी शिमला मिर्च 3 खाने के चम्मच, यखनी 8 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कटी हरी प्याज 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, फटा अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप। जी जनाब, खुश आमदीद। आज कश्मीर डे के हवाले से हमने आपको 3 रेसिपी सिखाई। 2 तो बिल्कुल पॉजिटिव कश्मीरी रेसिपीज़ हैं, कश्मीरी बेहतरीन से पसंद है, हमने आपको बताए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो इसमें से खुशबू आ रही है, इसको आप नान के साथ या पराठे के साथ इंजॉय कीजिएगा। और वो हमारी है कश्मीरी फिरनी, ठीक है? और कभी आपने नहीं बनाई होगी चावल के आटे के साथ। चावल का आटा आपको मिल जाता है किसी भी अच्छी चक्की से, ठीक है? और वो था हमारा शेजवान सूप, जिसमें हमने सारे जो रॉसमोर का की का ब्रांड है, सिस्टर ब्रांड, उसके हमने सारी सॉसेस डाली, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, सब कुछ इसमें डाल के हमने बेहतरीन सा सूप बनाया, विद इटालिया का चिकन स्टॉक, कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर। लेकिन माशाल्लाह सब ब्रांड्स यूज़ करते हैं, कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। तो आप लोग भी जाइए और ख़रीदिए रॉसमोर का जो सिस्टर ब्रांड है की, ज़बरदस्त सॉसेज हैं इसकी। और इटालिया तो आपको पता ही है, हमारे पास सालों से है, जिसमें हम इसकी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी आज की 3 रेसिपीज़। अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो प्लीज़, आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होता है, रात 12 बजे रिपीट होता है, और कल सुबह फिर 6 बजे रिपीट होगा, तो आप उस वक्त भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूर देखिए, और फिर हमें जब बनाएंगे तो कॉल करके, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक मज़े की बात, आप लोग के लिए हम लोग ने इतनी आसानी की हुई है मसाला टीवी ने, कि अगर आपसे आज का शो 3 टाइम मिस हो गया, सपोजिंग आपने नहीं देख सके 3 टाइम, अब जैसे रमज़ान आ रहे हैं, बहुत से लोग रमज़ान में टीवी नहीं खोलते, नहीं देखते, तो आप लोगों के लिए हमारा आज का शो कल सुबह मसाला का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आ जाएगा। तो आप उसको सेव कर लीजिएगा, रमज़ान के बाद आराम से देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है, सही जी? हुक्म दीजिए सलेमान, चैलेंज जी,
ये आपको आई होप शेजवान सूप स्पेशल कश्मीरी पसंद है, कश्मीरी ज़ाफ़रानी फीनी की रेसिपी समझ आ गई होगी। अब हम जा रहे हैं रीकैप पे, रीकैप पे तीनों रेसिपीज चलेंगी, तो आप एक दफ़ा फिर अपनी नोटबुक पे आप लिख लीजिए। मैंने ये वाली रेसिपी जो थी कश्मीरी ज़ाफ़रानी फीनी बड़े जल्दी बताई थी आपको, स्टार्टिंग था, एक दफ़ा समझा देती हूँ। एक लीटर आपको दूध लेना है, टेट्रा पैक लीजिएगा तो बेहतर है, ठीक है। 3/4 कप आपको चावल का आटा लेना है, राइस फ्लार, और राइस फ्लार लेने के बाद उसको आप 1 कप पानी में घोल लें, अच्छी तरह पेस्टी हो जाएगा, ठीक है। दूध में जब 1 लीटर दूध में उबाल आ जाए उसमें आप डाल दें 1 कप या 3, मैंने 3/4 कप डाला और जब मैंने चखा तो सही था, ज़्यादा मीठा खा दें 1 कप डाल दीजिए चीनी, उसको एक उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो आपने उसमें जो हमने पेस्ट बनाया था चावल का आटा और पानी का, वो आपने उसमें डाला और हिलाते गए ताकि गुठलियाँ ना बन जाए, वो मज़े का थिक हो जाएगा। फिर आप उसमें डालेंगे इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर, ज़ाफ़रान, ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालें और थोड़ी थोड़ी ऊपर डिश के लिए बचा दीजिए। फिर आपने उसको मिट्टी के उसमें निकाला, अर्दन पॉट में उसका जो आता है मिट्टी के खीर बड़ा अच्छा लगता है, उसमें आपने निकाला और ऊपर से आपने डाला बादाम, पिस्ते, इलायची छिड़क दी, थोड़ा सा ज़ाफ़रान का पाउडर छिड़क दिया, ये करके और आपने इसको ठंडा चिल्ड सर्व कीजिएगा, ठीक है। तो वक्त है इस वक्त रीकैप का, चल के देखें आज की तीनों रेसिपीज़ का रीकैप। स्पेशल कश्मीरी पसंदे अज्जा, बीफ पसंदे 1 किलो, नमक 1.5 चाय का चम्मच, पिसी दली प्याज 1/2 कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, दही 1 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा खोपरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ग्रीन चिली पेस्ट 4 खाने के चम्मच, केवड़ा 2 खाने के चम्मच, कुटी मूंगफली 1 खाने का चम्मच, पिसी खसखस 1 खाने का चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, तेल 3/4 कप। तरकीब, बीफ पसंदों को नींबू का रस, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, कच्चा पपीता, पिसी तली प्याज और नमक से मैरिनेट करके 1 घंटा छोड़ दें। अब पिसा खोपरा, कुटी मूंगफली और पिसी खसखस को रोस्ट करके पीस लें, फिर इन्हें पसंदों में मिक्स कर दें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए पसंदे धीमी आँच पर 1/2 घंटे रख दें। पसंदे गल जाएँ तो इसमें ज़ाफ़रान डाल के 10 मिनट दम पर रखें कि तेल ऊपर आ जाए। अब इन्हें निकाल कर ग्रीन चिली पेस्ट, बारीक कटा हरा धनिया, अदरक, जुलियन और ज़ाफ़रान के साथ मिक्स किया हुआ केवड़ा डालकर सर्व कर दें। कश्मीरी ज़ाफ़रानी फिरनी अज्जा, दूध 1 लीटर, राइस फ्लार 3/4 कप, चीनी 1 कप, बारीक स्लाइस बादाम 2 खाने के चम्मच, बारीक स्लाइस पिस्ते 2 खाने के चम्मच, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, हरी इलायची 4 अदद, केवड़ा 2 खाने के चम्मच। तरकीब, राइस फ्लार को 1.5 कप पानी में मिक्स करके मुसलसल स्टर करें। अब इसी हरी इलायची को दूध में मिलाकर अच्छी तरह पकाएं और चीनी डाल दें। फिर इसमें पके हुए चावल का मिक्सचर शामिल करें कि वह दोबारा गाढ़ा हो जाए। जब फिरनी गाढ़ी हो जाए तो चूल्हे से उतार लें। अब बारीक स्लाइस बादाम और बारीक स्लाइस पिस्ते से गार्निश करें। आखिर में ज़ाफ़रान मिक्स केवड़ा शामिल करके ठंडा सर्व कर दें। शेजवान सूप, चिकन 1/2 कप, मशरूम स्लाइस 1/2 कप, कटी शिमला मिर्च 3 खाने के चम्मच, यखनी 8 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कटी हरी प्याज 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, फटा अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप। तरकीब, चिकन पर नमक, काली मिर्च और सोया सॉस लगाकर 15 मिनट मैरिनेट कर लें। अब पैन में यखनी गर्म करके इसमें मैरिनेट किए हुए अज्जा डालें और 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें मशरूम, शिमला मिर्च, हरी प्याज, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करके गाढ़ा होने दें। आखिर में अंडा शामिल करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त देख रहे थे इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और आई होप आपको आज की तीनों रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। हम सबको दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़।
add some masala to your life.